सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इन कर बोल बाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। पनवा से मिलने की बात कर रहे थे तुम, हम तैयार हैं। कांग्रेस जैसा गुंडा मावाली और कैसा व्यवहार कर सकता है आप जैसे महापुरुष के साथ? अभी मुलाकात आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। इस प्रदेश में क्रिमिनल और माफिया का आधिपत्य हो गया था, इसी स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम ये त्याग पत्र दे रहे हैं। निकम्मी सरकार अपनी करनी से गिर गई और अब इस प्रदेश में बनेगी आपकी हमारी सरकार, और उस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे आपके हमारे चहेते राधे मोहन जी। राधे मोहन जिंदाबाद, 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 राधे मोहन जिंदाबाद। ये फैसला हमारा है बाहुबली विजय कांत का। अगर आप लोग को किसी से भी किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी है तो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से महाराजगंज की जनता को पूरा न्याय मिलेगा और न्याय करेंगे हम बाहुबली विजय कांत। इसका मतलब है पूरे महाराजगंज में आपकी समानांतर सरकार चलेगी, विधायिका और न्यायपालिका दोनों के सर्वे सर्वा आप बन बैठेंगे अपनी मर्जी से। बनना ही पड़ेगा यहाँ के जनता जनार्दन के भलाई के लिए। आप ही बताइए कितना गरीब गुरबा को सही समय पर न्याय मिल पाता है, अदालत का चक्कर काटते काटते जिंदगी खत्म हो जाता है। आप ही बोलिए सही है कि नहीं? अरे यो कोई कहने की बात है? सारा लोग जानता है क्या अदालत का हिसाब किताब का होता है। दौड़ते दौड़ते गोल घिसा जाता है। और क्या, ये वकील पेशकार मुंशी पैसा छींटते छींटते यही सब चल रहा है। विजय भैया ठीक ही कह रहे हैं। विजय भैया जिंदाबाद, बाबूलाल जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, बाबूलाल जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद।
पारख जी, जवाब मिल गया आपको कि और कोई सवाल पूछना बाकी रह गया है? पूछने को तो बहुत कुछ है, सही समय आने दीजिए। उस समय का हमको भी इंतजार रहेगा। कुर्सी से नाच रहल बा और तू यहाँ कमरा में बैठ के अनार छिला दाड़ू। अरे जा तनी बाहर का नजारा तो देख के आवा अपन आँख से। जकरा फुर्सत बा ऊ जाके देखे नाच तमाशा। हमरा तो श्रीकांत के खातिर जूस बनावे के बा। अरे चाहे जितना जूस पिया दे अपन बेटा के, बाकी विजयकांत से कमजोर ही रही हूँ, देह या दिमाग दोनों में। हाँ चुटकी जी, तू जाके दुल्हन के कमरा ठीक कर दे, जा जी। विजयकांत तो आज दिखा दे रहे पूरा दुनिया के अपन ताकत और दिमाग दोनों। अपन बाप के मौत के बदला ले ले लसु सतीश कुमार के सरकार गिराई के। गुणगान पूरा हो गए कि अभी और रामायण बाचे के बा? साँच बात तो जहर लगबे करेला, बाकी तू का करबो, तोरो मजबूरी बा। बेटो ऐसन पैदा कैलू कि दुश्मन से लड़ भिड़े के पहले मैदान छोड़ के लुका गई माई की अचरा में और बीबी के लहंगा में। बहुत बोलने ली दीदी जी, रोगा विजयकांत के पांव पखारी जाकर हमरा कुछ कहे के नहीं, लेकिन हमरा बेटा के बारे में आगे कुछ कहने ठीक ना होगी। पांव पखारे लायक काम तो विजयकांत करबे कैला सा। तो ठीक बा, रोगा यहाँ काहे खड़ा बानी, जाई विजयकांत की आरती उतारी। ये तू नहीं खूब बोला था, तो हर कमजोरी बोला था, आंख रही थे गंधारी हो गई बाड़ू। अरे कायदा से तो तोरा जाई के टीका करे चाहिए विजयकांत के। अपन सलाह अपने पास रखी और जाई यहाँ से, कहीं ऐसा ना होखे कि हमर मुंह से कुछ ऐसा कहा जाए कि रवा के बर्दाश्त ना हो। तू ऐसे बतियाई बू हमरा से है? अरे हमार मन हम चाहे जा रहे, तू कौन है कतारू हमरा पर हुकुम जतावे वाली? याद रखा हम तो हर बड़ ननद है। हाँ तो ठीक बा, खड़ा रही और माला जपी विजयकांत के नाम के। हमारी पार्टी से वैसे ही कैंडिडेट सबको टिकट मिलेगा जो लोग पहले से पॉपुलर हो अपना क्षेत्र में। आज विधायक सब हमारे कहने पर सरकार से समर्थन वापस ले लिए, उन सबका क्या होगा? टिकट मिलेगा, बाकी थोड़ा उल्ला खिला के। मतलब काका, मौका पर सबका क्या भरोसा, कहीं आगे हमारे साथ भी विश्वासघात कर बैठे तो? नहीं काका, ऐसे लोगों पे शुरू से लगाम कसे रखना जरूरी है। बहुत जल्दी समझने लगे हो तुम पॉलिटिक्स के भीतर या दाव में। वैसे हम राधे मोहन को कह दिए हैं अपने पसंद का प्रत्याशी सबका लिस्ट बनाने वास्ते। काका उनसे कहिए उस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं रहना चाहिए जिसका कभी भी बब्बन लाल से कुछ लेन देन रहा हो। कभी भी कहा दीदी, कोनो खास काम के हम लोग बोले ली सर? हाँ, तोरा चेहरा देख के जतरा बनावे के रहे, कोनो पहाड़ टूट गई बा का, कि तोहार दर्शन दुर्लभ हो गई बा? अरे ना, विधायकन के खोजे में लागल बनी, साल भेटाते नहीं खसन, कहाँ गई ले सर? हाँ, दिन रात एक कर देलस, बाकी नतीजा कहाँ निकलल? सरकार गिर गई और तू लोग तमाशा देखते रह गई, एकदम बेकार बा दुन्नो भाई। अरे दीदी, तब हम क्या करी, हम विधायक बनी का सरकार बचा? चुप कर, अरे हमरा के तो अचरज होता, का हो गई बा तोरा लोग के खून के, सारा हवा निकल गई लू विजय कंतवा के सामने। बिंदा कहाँ बा? कोनो मीटिंग में गई बस है। बड़ा जरूरी मीटिंग होता, कल्लू के अड्डा पे बैठ के दिन रात दारू पियत रहा, यह जरूरी काम बा ओकरा। अरे जा ओकरा के लेके आवा, हमरा के दुन्नू भाई से बतियावे के बा। जरूरी बा? अरे कहनी ना के बतियावे के बा, दिमाग में ना घुसल का, लेके आवा ओकरा। सही कह गया पुरनिया से, बहन के घर में भाई कुत्ता, ससुर के घर में जमाई कुत्ता। अल्लाह जिंदगी भर जी हुजूरी करते रहे तो कुछ नहीं, ये वो गलती कर दिए तो कहते हैं दे चोर है, काम चोर है। सही कहते हैं भैया, 16 आना सही, देह गला दिया अब अपनी बहन के खातिर। पेगवा बनाओ ना।
शर्म नहीं है कहा? कैसेंडर गिर गया तुम्हारा? यहाँ कलुआ के अड्डा पे बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हो? अरे लानत है तुम पर। हम कुछ करते हैं सो तुमको क्या मतलब है? यहाँ कहा है? दीदी बुलाई है, चलो। बुलाई है तो बुलाने दो, हम किसी का गुलाम उलाम ना है। जब मन करेगा तो आवेंगे, जब मन ना करेगा तो ना आवेंगे। जाके बोल दो दीदी को। चलेगा प्यार से तू है? चल उठ, चल। अरे हिम्मत से चले, चल चले। हाथ उठा कर, हाथ उठा कर साला। तुम बचा, हाथ उठा कर, हाथ उठा कर, हाथ उठा कर ऐसा। ये तो खोला तो हो देंगे ना, तो बच्चे का रही। बोल पड़ते हैं भैया, सगा भाई होगी। साले तुम बोल रहे हो? भाई नहीं, भाई नहीं होता साला, तब तक गिर गया होता तुम साला भाई। हट पार का साले, दीदी क्या जब बुला गए? अरे तू का साला, तू साला मार देंगे रे। और बाप बंदा न भोसड़े साला। ए पुलाड़े अच्छा साले घर से निकाले थे उस समय कौन सा रहे? हाँ, ये बात फैल जाएगा कि किसी भी पार्टी में रहा। पहले उनको समझाना होगा अपना पार्टी से जुड़ने का फायदा। बिना टॉफी बिस्कुट दिखाए तो आजकल का बच्चा सब भी पास नहीं आता। अरे तो उसमें चिंता का क्या बात है, अपने राधे मोहन जी है ना उस वास्ते। सुबह से शीघ्रम, बस अब ये निकलते मोर्चा संभालने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। मिलल तोहरा अपन बोरिया बिस्तरा बहन और जो चैनपुर, ये हमारा ऑर्डर बा। जो यहां से हाँ धर्मेंद्र बोलो। मुलाकात तय हो गया है, आज रात को 9 बजे चौक नाका पे आके मिलिए। ठीक है, हम आ जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रितेश के बारे में भी हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। मतलब यार देख रहे हैं कि काम धाम में उसका पहले जैसा मन नहीं लग रहा है। तो उस दिन हम कुछ बोल दिए इसी से? नहीं वो खास बात नहीं था। असल में जब से तुमने बिजनेस संभाला है उसके जिम्मे करने धरने को कुछ रहे भी तो नहीं गया। अरे काका उनके तो नाक पर गुस्सा रहता है, बिजनेस का देखेंगे वो, जब देखो आग फाड़े फाड़े। देखो बाबू उसका तो शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है। बाप का साया बचपन में उठ गया, अब मेहतारी को तो बस आग लगाना आता है। बाप महतारी से ही ना संस्कार लेता है आदमी। सही कह रहे हैं काका, हमारा बचपन भी तो जानते हैं आप। अगर माँ हमको सिखाई समझाई नहीं होती तो आज हम भी एकदम उन्हीं की तरह। तुम्हारे जैसा लायक बेटा कम होता है। अरे छोड़, लेकिन क्या करें, भला है बुरा है जैसा भी है रितेश है तो इसी घर का। अमर भैया भी उसको बड़े बेटे जैसा ही मानते रहे। जानते हैं काका, तो कहिए क्या करना चाहिए? बिजनेस का कुछ जिम्मेवारी रितेश के सर पर भी होना चाहिए, उससे तुम्हारा बोझ भी कम होगा और रितेश को भी लगेगा कि हमको पूछा जा रहा है। का ठीक है काका, हमको कोई ऐतराज नहीं, बुलाइए उनको, जो आपको उचित लगता है सौंप दीजिए। ए लखन। जी बाबा। जाके रितेश भैया की खबर कर, हम बुलाता नहीं। रितेश भैया तो अभी बाहर गए बड़ा। बाहर कहाँ? अभी जात वक्त पूछनी है तो कल आने, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के लगी जाते नहीं। ठीक है तुम जाओ, हम कल अपने उनसे भेंट कर लेंगे। काका आप कह दिए तो हम बात कर लेंगे।
कहा सुनी माफ साहब। सॉरी रूल, भरोसा रखिए, चलिए आ जाओ। खत्म कर दे साले को। नेता पूजे जनता पूजे इन कर ही कानून चले, जात धर्म ना इन कर नित नया चाल चले।